रानी, ये तू कहाँ जा रही? कहीं भी, जॉब से मतलब? अजीब बात है, अब तक मुझे तुम्हारी हर बात मतलब रहा, और अब किसी बात में नहीं। खैर, ये बता कि तू जा क्यों रही है, आखिर क्या बात है, क्या क्या हुआ क्या? मुझे पूछने से पहले अपने दिल से पूछिए ना। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम्हारे चाचा जी के स्वर्गवास होने के बाद हमने तुम्हें हर किस्म के ऐशो आराम दिए और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। जी हाँ, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मैं पढ़ना चाहती थी, आपने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया। बाय बाय के लिए तरसाया, इनसे मिलो उनसे मत मिलो, ये बुरा है ये अच्छा है, दुनिया भर के तान, यही है ना आपका दिया हुआ ऐशो आराम जिसका आप फूलोरा पीते हैं? और इसमें मेरा क्या कसूर है? जैसे तुम्हारी बहन कह गई, मैंने वैसे ही किया। क्यों नहीं, आप तो बिल्कुल मुमकिनात हैं, जिस तरफ मुड़ दिया मुड़ गए। आप सब काम दीदी के कहने पर करते हैं ना? तुम हद से बाहर होती जा रही हो बहन, हर रोज एक न एक झगड़ा खड़ा कर देती हो। मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी दीदी। मेरे लिए वो भी मर चुकी। वानी! और क्या, जिसने बम्बई से जाकर 7 महीने तक एक खत न लिखा उससे मेरा क्या वास्ता? मैं आप लोगों की सूरत तक देखना नहीं चाहती। भाभी आओ आओ, इतनी रात गए, ये सामान? फिर राम मोहन से झगड़ा हो गया? हाँ, अब के हमेशा हमेशा के लिए, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। हाँ हाँ, वहाँ जाने की जरूरत ही क्या है, मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि यहीं आके रहो, उसके तानों से भी दूर रहोगी और मेरा दिल भी बहला रहेगा। लेकिन तुम तो? मैं तो न जाने कब छोड़कर चली जाती, लेकिन मैं नौकरी मिलने का इंतजार कर रही थी। नौकरी? हाँ मामा जी, मैंने एक जगह नौकरी कर ली और कल से मुझे काम पर जाना है। ब्रावो, तुम हो मेरी असली भांजी, अपने बलबूते पे चलने वाली। साहिबा, आप लोगों ने मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर चुनकर जो मुझ पर इतमाद जाहिर किया है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस काम को खत्म करने में आप मेरी मदद करेंगे। मिस्टर, हम तो रुपए के अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, और हमें होटल बिजनेस के बारे में कुछ इल्म नहीं। आप फिक्र न कीजिए, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि कुछ अरसे के अंदर ही अंदर मुल्क के हर बड़े शहर में हमारे ही होटलों का बोलबाला होगा। मेरे ख्याल में अब रुपया जमा कराने में हमें और देर नहीं करनी चाहिए, काम जितनी जल्दी शुरू हो जाए अच्छा है। भाई अपनी रकम तो मामूली सी है, जब चाहे ले लो, लेकिन मिस्टर राय से कहिए जिन्हें सबसे ज्यादा रुपयों का बंदोबस्त करना है। मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, वैसे तो 1 महीने के अंदर अंदर इंतजाम हो जाना। अच्छा मिस्टर राय, तरफ चला जाए इतनी जल्दी? आप लोग आइए, हम सब ऊपर चले। Bye.
जी जनाब, आपने यहाँ की पुरानी डांसर का नाच नहीं देखा, वरना सब कुछ बोल जाते। मिस्टर राय, कहाँ है वो आजकल? जी वो आजकल छुट्टी पे गई हुई। अच्छा मिस्टर राय, हम इजाजत दीजिए, हमें बहुत देर हो रही है। इतनी जल्दी? भाई आप तो आजकल बेलगाम है, बीवी बाहर गई है, लेकिन हम लोगों को जरा होम गवर्नमेंट का सामना करना पड़ता है। अच्छा मिस्टर राय। अच्छा साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ रब साहब। हाँ साहब। या शेख, कैफ तारीख المقدمه का? या अय्युह शेख, المقدمه का दायरा हूँ في العدالة القاضي السجن المدعور अब तारीख दिसंबर पहली। मरहबा या शेख المحترم, في امان الله। في امان الله। शेख जी, पैसा रुकाई हो? इशाब है, पैसे की फिक्र नहीं कर रहे, बस ऐशो कानून लड़ाओ कि टोला राम दमड़ी मल को पट करने को है। फिक्र मत करो, पेशा रो बंदोबस्त कर दो, ऊपट नजर आएगा। अच्छा, पेशो तो कल कोर्ट में पहुंच जाएगा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। ऐशा भूलो नहीं, 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 नहीं। उसको पट करने को। ऊपट नजर आएगा। आपका शुभ नाम? रानी ज्योति। हाँ, समझ गया, तलाक का केस।
श्रीमती बानी चौधरी वर्सेस आपके हस्बैंड का नाम जी? ओ लिख के लाइए, शर्मा रही है आप चाहते हैं। लाइए लाइए लाइए। हाँ आई सी आप है ना ही सेक्रेटरी। आइए यह आपकी जगह। इससे पहले भी आपने कहीं काम किया है? फिक्र ना कीजिए, मैं आपको दो दिन में परफेक्ट कर दूंगा। अच्छा साहब, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि ये जो लेटर है ना, इनको केस वाइज इन फाइलों में लगा डालिए। ये देखिए, ये है आपका मर्डर, मर्डर 302। अच्छा साहब, ये है ये दंगा फसाद 147। अच्छा, और ये है आपकी चिटिंग 420। कमी एक जानो हजार मुसीबत। सॉरी, इट्स ऑल राइट। मोती 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 पूरा नाम लेते हो, जबान किसकी आपकी? कुछ तो पुरानी दोस्ती और पोजीशन का ख्याल किया करो यार। क्यों बुलाया था? मिस्टर मोतीलाल जी शर्मा, यह कोर्ट सेसिल और यह है फ्लैट F2। इस फ्लैट में 40 साल का गंजा रहता है। तो मैं क्या उसके बच्चे में बाल गिनूं जाके? पहले बात तो सुनो पूरी। अभी जो फांसी गया था ना, इसको ये गंजा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर पता लगाओ कि वो कहाँ कहाँ जाता और क्या क्या करता, समझे? ये लो। आज नहीं जाऊँ तो नहीं चलेगा? बोर नहीं कर यार, जाओ जल्दी जाओ, वो सेक्रेटरी को भेज दो। बुला रहा। हर रोज एक नई मुसीबत, कभी इसका पीछा करो कभी उसका पीछा करो, कभी इस लंगड़े के पीछे जाओ कभी उस अंधे के पीछे जाओ, रात में उधर जाओ दिन में इधर आओ, क्या मुसीबत है? लो अब एक गंजे का पीछा करने के लिए कह दिया है। मैं तो भर पाया इस नौकरी से, मुझे तो आप कहीं और ड्यूटी लगा दो। अरे बड़े जल्दबाज हो, इतना नहीं सोचते कि स्मगलर की गैंग का पता चलाने के लिए मिस्टर इजाय के ऑफिस से बेहतर कोई और जगह नहीं। एक तो वहाँ सामने से फ्लैट की हर चीज नजर आती है, दूसरे मिस्टर इजाय तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, इसलिए तुमको वहाँ हर चीज की आजादी। अच्छी आजादी है, 3 महीने से एक पिक्चर नहीं देख पाया। ये वकील के अच्छा खासा स्कॉटलैंड यार्ड है, दुनिया भर के लबड़े पाल रखे हैं, और मुसीबत आती है मोतीलाल की। वेल, इट्स ऑल इन द गेम मिस्टर मोतीलाल। मैडम, मैंने इसे खींचा नहीं, ये खुद ही खींची चली आई, देखते ही लपक के मुझे अपने दामन तले छुपा लिया। किसकी? मेरी। आपकी? अब बड़ी कड़ी सजा देनी चाहिए इसे, लफंगों पे यूं मेहरबान होना अच्छा नहीं। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? गलती से मैंने आपको बुरा भला कह दिया। ऐसी गलती आप अक्सर करती जी? कभी कभी। इस बार तो आपने मुझे बुरा कहा, भला कहने की गलती कब करेंगे जी? कहिए कहिए। हेलो अजय। हेलो कैप्टन सर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं गालियाँ सुन रहा था और ये गलतियाँ कर रही है। इनके साथ कोई गलती न करना बेटा, ये तो बड़े शरीफ आदमी है। हाँ अजय, ये मेरी भांजी है बानी,
और आप हैं मिस्टर अजय कुमार एडवोकेट, शहर के मशहूर वकील। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ तो क्या कर रहे हो जी? कुछ नहीं। हाँ तो फिर एक आध बाजी शतरंज की हो जाए। चलिए चलिए। ये भी अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, शाम तो कट जाएगी। बानी को तो शतरंज तक खेलना नहीं आता जी, वो असल का काम है ना। नहीं और वैसे तो बड़ी तेज है, एक वकील की प्राइवेट सेक्रेटरी है। अच्छा, मुझे वकील से बड़ी हमदर्दी है। ये ली तो ये रंग है, बाजी जीतने का इरादा है। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो पहले ही चाल में मात खा बैठा। बस एक ही चाल में जी। ये खेल बड़ा खतरनाक है कैप्टन साहब, एक ही चाल में पूरी बाजी का फैसला हो जाता है। अच्छा अच्छा, बच्चों शह पड़ रही है तुम पर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। क्यों भाई, सो जाए क्या? ये ली। कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया यहीं कहीं। जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया मैं खो गया मैं खो गया मैं खो गया। दिल ने आवाज दी थामना, यूं किसी से हुआ सामना, दिल ने आवाज दी थामना। जान क्या कह गई वो निगाह नाजनी, जान क्या कह गई वो निगाह नाजनी। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया मैं खो गया। कह तो दूं झूम के प्यार से जुल्फ को चूम के, हाल दिल कह तो दूं झूम के प्यार से जुल्फ को चूम के। सोचता हूँ मगर वो खपा न हो कहीं, सोचता हूँ मगर वो खपा न हो कहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया मैं खो गया। यही जो रही प्यार की हो रहेगी मेरी वो कभी, धुन यही जो रही प्यार की हो रहेगी मेरी वो कभी। मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं, मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं।
मैं खो गया कहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हसी, कहां है दिल किसे पता, कहां हूं मैं खबर नहीं, मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हसी, कहां है दिल किसे पता, कहां हूं मैं खबर नहीं, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम कुमारी नट्टे सुंदरी, चूना भट्टी जूना खार जी एड्रेस। चूना भट्टी जूना खार, क्या कैसे आपका? हम क्या बोलना जी, मेरा मकानदार मुझे घर से निकल जाने का नोटिस दे दिया जी। क्यों? उसको नींद नहीं आता जी। क्यों? उसके दिल को धक्का लगता जी। तुम लगा था? अयो दैव मा, वो तो साली डांस करता जी। अयो मा, तुम डांस करता? हम बताता जी थोड़ा। ताम दे ताम क्रिकेट सही, आपको पसंद आया जी? जी एकदम, तबियत हमारा साफ हो गया जी। मगर हमारा मकानदार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जी। सर आएगा उसको समझाएंगे, अभी तुम जाओ। हाँ हम जाने जी। पो पो पो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। कैम इस वक्त 10:02 हो चुके हैं। अदालत सारी बारी नहीं देखती, आप वक्त पर नहीं आएंगे तो काम वक्त पर नहीं होगा, काम वक्त पर मुकदमा आ जाएगा, और मुकदमा आ जाएगा तो इनको फांसी हो जाएगी, इनको फांसी हो जाएगी तो बचाएगा कौन? आपकी सारी। आई एम रियली वेरी सॉरी। खैर सारी बारी छोड़िए और शुरू हो जाइए, काम बहुत है आज तो। पिस्टन जी रॉड जी हूँ, एम क्यों कहते मैं तुम्हारा बड्डा पेपर, आई मीन टू से हैव यू गॉट ऑल योर पेपर्स? यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वन मिनट। सभी कुछ तो दिखता है। नहीं मैं ये समझा था कि इसमें शायद सिर्फ लड़कियां ही दिखती, आदमी नहीं दिखते। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने जो सेक्रेटरी रखी है ना, बहुत अच्छी है। पहले दिन ऑफिस पे कब्जा कर लिया और दूसरे दिन दिल पर। बोल मत कर यार। देखो मेरा बोर होना तो चलेगा, लेकिन इस बात की नौबत न आ जाए कहीं कि आप मौके लोगों से बोर होने लगे। कम इन। गेट आउट। ये है आज की डाक और ये रहा आपका पर्सनल लेटर। ये अर्जेंट है। मिस्टर अजय कुमार, ये 200 रुपये आपकी फीस है। मैं आपके ऑफिस में आना मुनासिब नहीं समझती, इसलिए मेहरबानी करके आज शाम को होटल मेजेस्टिक में मिलिए, मैं आपको सफेद साड़ी में मिलूंगी। आपने ये खत मुझे लिखा? जी हाँ, मुझे मिसेस कपूर कहते हैं। आप? मैं अजय कुमार, बानी चौधरी मेरी सेक्रेटरी। आप कुछ लेंगे? जी नहीं शुक्रिया। हाँ तो मिसेस कपूर आपने मुझे? जी हाँ, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी थी कि पिछले 3 सालों से मेरे खामिन की जायदाद पर। हेलो बानी। हेलो। भाई मान गए तुम्हारे गुस्से, उस दिन तुमने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। अब ये गुस्सा ठंडा हो गया या नहीं? साहब आपका दिल्ली से ट्रंक कॉल आया। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जाना नहीं है?
Yes, yes, try speaking. माया अच्छी तो हो डाली? अच्छी हाँ, लेकिन तुम लोगों से मिलने को तरस गई हूँ। मैं जल्द वापस आना चाहती हूँ। यहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है कि जीना मुश्किल हो गया है। मैं सोच रही थी कल ही सुबह की गाड़ी से चल दूँ। माया देखो, मुझे बिजनेस के सिलसिले में शायद कल परसों दिल्ली आना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर एक दो रोज और ठहर जाती तो फिर इकट्ठे बम्बई आ जाते, जरा सफर मजेदार गुजरता। अच्छा तुम कहते हो तो मैं रुक जाता, लेकिन देखो ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करती रहूं और तुम ना, और हमेशा की तरह बहाना बना दो। इतनी बेतवारी नहीं डाली, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जरूर जरूर डाली। ओके सो लॉन्ग। मिसेस कपूर आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैंने सारा केस सुन लिया है और कल से कार्रवाई शुरू कर। शुक्रिया। नमस्ते। सेना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ रोज ही होता हूँ, तुम कहाँ हो आजकल? यही हूँ यार, लेकिन क्या करूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ। ये स्केच आपने बनाया? जी हाँ, पसंद है तो रख लीजिए। थैंक यू। यार अजीब आदमी हो तुम, तुम्हारे ऑफिस से दो कदम पर मेरा स्टूडियो है, कभी तो आ जाया करो। आदमी अच्छा है। खासा दिलचस्प है। क्यों नहीं, कब से जानती हूँ? दोस्त आपका जानू मैं, मगर स्केच अच्छा बनाया है। मैं सिन्हा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन? वो साहब जो होटल में इतनी बेतकल्लुफी बात कर रहे थे। वो तो राय मोहन था। बहुत दिनों की पहचान है? जी बचपन की। काफी खूबसूरत आदमी है। क्यों नहीं, कईयों से अच्छा है। तो उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं आजकल रूठी हुई हूँ उससे। क्यों? हमारे आपस की बात है। आप कौन होते हैं पूछने वाले? सॉरी। क्यों चुप क्यों हो गए? मेरी मर्जी, आप पूछने वाली कौन होती? सॉरी। गुड नाइट। Thank you.
लगाए कदम चलते चलते सुनने छेड़ा तो हम क्या संभलते लगाए कदम चलते चलते सुनने छेड़ा तो हम क्या संभलते लो चले लो चले लो चले नाम लेकर तुम्हारा हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू पलम तूने गारा हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू थोड़ा थोड़ा मजा भी होश भी थोड़ा थोड़ा नशा भी दर्द भी थोड़ा थोड़ा मजा भी तीर सैया तीर सैया तो जब तूने मारा हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू पलम मैंने कहा मैं गुड नाइट कहने आया था कमरे में सामान ठीक है। अच्छा तो आप भी इसी होटल में ठहरे हैं? जी हाँ रूम नंबर 302 में। अच्छा तो मैं जाता हूँ। खन्ना तुम यूँ करो कि दोपहर का खाना हमारे साथ खाओ। क्यों डर? अच्छा वानी कैसी है? अच्छी है। बड़ी बेमुरब्बत है, मेरे एक खत का भी जवाब नहीं दिया। तुम तो जानती हो कितनी लापरवाह है वो। भूल गई हूँ। मिल लेने दो, फिर देखना कैसी खबर लेती हूँ चुड़ैल की। कब चलना है यहाँ से? बस मुझे यहाँ थोड़ा सा काम है, उसके बाद सीटें बुक करवा लेता हूँ। यहाँ कौन सा काम आन पड़ा है जी? यही बिजनेस के लिए कुछ रुपए लेने। रुपया? हाँ डैड, तुम तो लाखों के होते हुए मुझे कौड़ी नहीं देती और मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता। तुम तो अजीब बातें करते हो। पिताजी का रुपया जिसके लिए है उसके लिए है, मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? अच्छा भाई मत लगने दो हवा अपने रुपयों को, वैसे तो मैंने इंतजाम कर ही दिया था। अरे दस बच्चे, वो आदमी तो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं भी जाता हूँ डार्लिंग, लंच तक आ जाऊंगा। नाश्ता तो करते जाओ। बहुत जरूरी है पांच मिनट डार्लिंग, मैं लंच तक आ जाऊंगा। अरे सुनो उधर से चीजें बुक करवाते हैं। अच्छी बात। हेलो नीना। हेलो माया, कैसी हो? आया तुम जरा बाहर जाना। नीना माया कल मुंबई जा रही है और तुम्हें भी उसके साथ जाना होगा। ये है तुम्हारा टिकट। तुम दोनों की सीटें एक ही कंपार्टमेंट में रिजर्व है। एक बात का ख्याल रखना डार्लिंग कि बच्चा ज्यादातर माया के पास ही रहे, वो बांझ होने की वजह से बच्चों से बहुत प्यार करती है। लेकिन कुछ नहीं डार्लिंग। देखो डार्लिंग जो ही गाड़ी दादा स्टेशन पहुंचे तुम बच्चे को कंपार्टमेंट में छोड़ के नीचे उतर जाना और जरा एहतियात से। न जाने मुझे क्यों डर लग रहा है, एक जान को बिना मुझे। डोंट बी सिली डार्लिंग, ये जिंदगी है, जिंदगी में जज्बात से नहीं अकल से काम लिया जाता। कुछ दिनों के बाद तुम्हारा बेटा लाखों का मालिक बनेगा। तुम
जो जनाब लंच पर बुलाकर डिनर का टाइम कर दिया आपने। भाई माफ करना, देर हो गई। आई एम सॉरी डार्लिंग। चलिए इसे बुक करवा ले। नहीं डार्लिंग, मुझे आज कलकत्ता जाना पड़ रहा है। कलकत्ता? जिसे मुझे मिलना था ना वो कलकत्ता चला गया। बॉम्बे से चले जाना? नहीं डार्लिंग, मुझे बहुत जरूरी काम है, उसे आज ही मिलना चाहिए, वरना मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पड़ी खड़े रहूँगी? खड़े तुम्हारे दुश्मन। तुम कल अकेली क्यों चली जाएगी? जब तक तुम्हारी ट्रेन बॉम्बे पहुंचेगी मैं भाई पल्ली वहां पहुंच जाऊंगा। भाई खन्ना, तुम कल भाभी को ट्रेन से क्यों सवार करते? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भाभी को आराम से सवार करवा दूंगा। मेरा ख्याल है ये अरेंजमेंट ठीक है। क्यों? जैसे तुम्हारी मर्जी। बस अब नेक्स्ट डिनर में तुम्हारे साथ बम रखा। क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि तुमने पर्स में क्या क्या चीजें छुपा के रखी। बड़े शौक से, इसमें तुम्हारे दफ्तर की कोई चीज नहीं है। और घर की कोई चीज इसमें से निकले तो? तुम्हारे घर में चुराने के लिए रखा है क्या? तुम कानूनी किताबें और उनकी धूल झाड़ने के लिए नौकर। ठीक कहती हो बहन, मेरे घर में रखा ही क्या है? मेरा घर तो बिल्कुल ही सुना और उसमें मैं खुद को रहने लगा। इस बीमारी किस तरह लगे है आपको? आपकी मेहरबानी। कैसे? तुम्हारे साथ का असर है। छोड़ दो ना साथ। तो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दी मेरे प्यार की राहों में जल गए। जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तेरे लबों की बहारों का रंग, मौसम जो साथी हंसी उससे नजर के इशारों का रंग, जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए।
इजाजत लेने जा रही हो जीजा जी से? वो इजाजत देने या न देने वाले कौन होते हैं? तो फिर क्यों जा रही हूँ? काम है। क्या? फिर बताऊंगी। गुड नाइट। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 का नक्शा है। तुम्हारे कहने के मुताबिक माया का कंपार्टमेंट यहाँ पे रुकना चाहिए। मैं बनी को किसी बहाने वहाँ पे ले आऊंगा। हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। यहाँ से 2 कदम के फासले पे ये बेंच है, तुम इस बेंच पे खड़े हो जाना। यहाँ से तुम्हें निशाना आसानी से मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि प्लेन के रुकते ही तुम अपना काम तमाम करके इस फेंसिंग से कूद जाना। यहीं पे मैंने तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल रखी है जिसका नंबर है 5500। समझे? देखो ये है तुम्हारे पैसे और ये लो। ख्याल रखना निशाना चूकने ना पाए। खन्ना का निशाना कभी नहीं चूकता। बिल्कुल। आज रात को मेम साहब बच्चे के साथ आ रहे हैं। तुम गाड़ी लेके जाओ और बनी मेम साहब को ले आओ। वो इस वक्त घर पे नहीं है। जब तक ना है तुम ही उनका इंतजार करना। मगर सरकार बिटिया रानी तो घर में बैठी है। क्या कहा? अंदर बैठी है। हेलो बनी, अच्छी तो हो? हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे साथ से गुस्से का भूत तो उतरा। सामान कहाँ दे? मैं रहने नहीं, अपना रुपया लेने आई हूँ जो चाचा जी वसीयत में मेरे नाम छोड़ गए। ये बात है? अरे भाई खूब देर निकली तुम, दूल्हा खुद ही ढूंढ लिया। अरे जरा हम भी सुने हमारे साड़ू साहब का क्या नाम है। कोई भी हो, आपको क्या? लड़ती क्यों है? मैं तो सिर्फ उस जवान मर्द का नाम पूछना चाहता था जिसने शेरनी को बस में किया है। देखिए मैं आपसे मजाक करने नहीं आई, रुपया लेने आई। मजाक करता ही कौन है? देख बानी, तू तो जानती है रुपया सिर्फ तेरी दीदी ही दे सकती है। वो आज 12 बजे की गाड़ी से आ रही है, तू उसे मिल ले। कहाँ जा रही? स्टेशन पर, दीदी को। मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ चल रही है। Thank you.
पूरा एक्सीडेंट हो गया गजब। नहीं 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 नहीं, मैंने दीदी का खून नहीं किया। मिस चौधरी, कानून और वाकत आपका साथ नहीं देते। सच बताइए, आपका साथी कौन है जिसने दूसरी गोली चलाई? मेरा कोई साथी नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। आप जरूर जानती हैं। कितना रुपया दिया था उसे? मैंने किसी को रुपया नहीं दिया, मेरा कोई साथी नहीं है। मैं कितने बार कह चुकी हूँ मैंने दीदी का खून नहीं किया। आप मिस्टर अजय को क्यों नहीं बुलवाते? हवलदार ले जाओ। अजय स्पीकिंग। इंस्पेक्टर आर्य अग्रीपारा पुलिस स्टेशन। क्या बोर करते हो यार, ये भी कोई वक्त है जगाने का? हाँ बोलो बोलो। अजय, तुम इस बानी चौधरी को जानते हो? बानी? हाँ हाँ, वो तो मेरी सेक्रेटरी है। खून के इल्जाम में पकड़ी गई है। खून? किसका खून? सब कुछ संभालूंगा बानी, लेकिन सच बताओ बात क्या है? क्या तुम्हें भी मुझ पर एतबार नहीं? मेरे एतबार करने से कुछ नहीं होता बानी, जब तक वाकया तुम्हें बेगुनाह साबित न करे। सच बताओ, ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहां से आया? मुझे नहीं मालूम अजय, मुझे नहीं मालूम। मुझे छोड़ने के बाद तुम कहाँ कहाँ गई? सिर्फ जीजा जी के यहाँ, वहां से स्टेशन दीदी को लेने। लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी दीदी आने वाली है। मुझे मालूम ही कहा था, मुझे खुद जीजा जी ने बताया। जीजा जी के अलावा और किस किस से मिली थी? किसी से नहीं। किसी से नहीं? मैं तुम्हें छुड़ाऊं। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि बानी कत कर सकती है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दोस्त की महबूबा? नहीं इंस्पेक्टर, मैं खुद भी उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बेचारे बिल्कुल सीधी साधी लड़की है। खैर, ये तुम्हारे अपने जाती ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वाकई बानी ने कत्ल किया है, तुम जानते हो तुम्हारी क्या ड्यूटी है? जानता हूँ। रायमोहन की बॉडी में पाई गई गोली इस पिस्टल की नहीं। थैंक यू। ए भाई, अगर आहिस्ता आहिस्ता मैं कह रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं है तो हो जाएगा। ये देखो, इस भाई को भी वही बीमारी थी जो आपको है।
मैं ये कह रहा हूँ कि जल्द घर पहुँचना चाहते थे लेकिन भगवान के घर पहुँच गए, समझे ना। साढ़े 5,000 रुपए आंटी में दबा कर मरना था तो कम से कम वसीयत तो मेरे नाम कर जाते, ताकि जो माल सरकारी बैंक में गया मेरी जेब में आता। वेरी गुड, भाई की शक्ल भी मुझसे मिलती जुलती है। तुम्हारी सूरत तो लंगूर से भी मिलती जुलती है। अंगूर से? लंगूर, मैं समझा अंगूर से, सीजन चालू है ना। लंगूर। लेकिन फिर भी मैं और मेरी महरूम बीवी बनी से बेहद प्यार करते थे। लेकिन तो कुछ समझ में नहीं आता, बनी ने ये पागलपन किया क्यों? तो वो कौन था जिसने दूसरी गोली चलाई? दूसरी गोली? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, आपकी बीवी को दो गोली लगी और पानी के पिस्तौल से सिर्फ एक गोली चली। लेकिन कौन हो सकता है वो आदमी? यही तो हम जानना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी था? तो स्टेशन पे किसी ने तो देखा होगा। जी नहीं, आपको बानी के दोस्तों में तो किसी पर शक नहीं। बानी जब तक यहाँ पर रही मैंने कभी उसे किसी ऐसे आदमी से मिलते जुलते नहीं देखा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जाहिर है कि उसके बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ। आपने अभी भी बताया था कि बानी बड़ी अजीब किस्म की लड़ाका लड़की थी। आपकी बीवी और बानी में कभी कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? यूं तो छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते इंस्पेक्टर, मगर कोई ऐसा सीरियस झगड़ा कभी नहीं हुआ जहां तक मैं जानता हूं। मिस्टर राय, घर छोड़ने के बाद बानी फिर कभी यहां आए? सिर्फ एक बार, और वो भी उसी मनुष्य रात को जब उसकी बहन पे गोली चलाई। किस लिए आई ये तो वही जाने, लेकिन मुझे उसने सिर्फ यही कहा कि वो पैसे लेने आई है जो उसके चाचा वसीयत में छोड़ गए। वसीयत? क्या मैं वो वसीयत देख सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर मैं अभी दिखा दूँ। ये देखिए, ये रहा वो वसीयतनामा जिसमें इस कत्ल का राज छुपा। इसकी दफा 10 में साफ लिखा है, मेरे बाद मेरी सारी जायदाद की वारिस मेरी इकलौती बेटी माया देवी होगी और माया देवी के बाद उसकी औलाद। लेकिन अगर माया देवी बिना किसी औलाद के मर जाए तो ये सारी जायदाद मेरी भतीजी बानी को मिले। फिलहाल अब मैं ये साबित करूंगा कि इसी जायदाद के लिए मुलजिमा ने माया देवी पे गोली चलाई, क्योंकि जब उसने माया देवी पे गोली चलाई तो उसे यह पता नहीं था कि माया देवी का बच्चा जायदाद का असली वारिस पैदा हो चुका है। इंस्पेक्टर चौहान, मकतूला माया देवी को कितनी गोलियां लगी? दो, एक सीने में और दूसरी कान को छूती हुई निकल गई। और कत्ल के वक्त कितने फायर किए गए? सिर्फ दो। क्या आपने ये दोनों फायर होते हुए देखे? जी नहीं, पहले फायर की मैंने सिर्फ आवाज सुनी। आवाज सुनकर जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि मुलजिमा ने अपनी पिस्तौल से दूसरा फायर किया। क्या ये मुमकिन नहीं कि पहला फायर भी मुलजिमा ने ही किया हो? जी नहीं, मुलजिमा की पिस्तौल जब्त करने के बाद मैंने देखा कि उस पिस्तौल से सिर्फ एक ही गोली चलाई गई थी। किसी दूसरे शख्स ने किसी दूसरी पिस्तौल से किया, ठीक है? जी हाँ। पहले फायर की कितनी देर बाद मुलजिमा ने दूसरा फायर किया? मुश्किल से एक सेकंड बाद, बल्कि इससे भी कम। तो मतलब ये कि जब माया देवी पर पहला फायर किया गया तो मुलजिमा का हाथ भी गोली चलाने के लिए उठ चुका था? जी हाँ। आप बैलिस्टिक एक्सपर्ट हैं? जी हाँ। आपने रिपोर्ट दी है कि कत्ल के बाद जो गोली मकतूला माया देवी के जिस्म में पाई गई
वो उस पिस्तौल से नहीं चलाई गई जो कि कत्ल के वक्त मुलजिमा बानी के हाथ में था, ठीक है? जी हाँ। कत्ल के वक्त मुलजिमा बानी के हाथ में कौन सा पिस्तौल? .38। और जो गोली मकतूला माया देवी के जिस्म में पाई गई वो किस पिस्तौल से चलाई गई? .38। क्या .38 पिस्तौल इस मुल्क में बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है? जी नहीं, इसका लाइसेंस आमतौर पर पब्लिक को नहीं दिया जाता। मिलोर, मकतूला माया देवी पे दो गोलियां दो मुख्तलिफ कातिलों ने दो अलग अलग पिस्तौलों से चलाई। ये दोनों पिस्तौलें एक ही किस्म की थी, करीब करीब एक ही साथ चलाई गई, एक ही निशाने पे चलाई गई। क्या इससे यह साबित नहीं होता मिलोर कि उन दोनों कातिलों की साजिश भी एक ही थी? एनी क्वेश्चन? नो। आप जा सकते हैं। अब मैं ये साबित करूंगा मिलोर कि इस कत्ल से असली फायदा किसको पहुंच सकता था, मुलजिमा बानी को या दूसरे कातिल? और यह साबित करने की शुरुआत मैं एक ऐसे अजीब गरीब गवाह से कर रहा हूं जो कि कत्ल के बारे में उस वक्त भी जानता था जबकि असली कातिलों ने शायद इस कत्ल के बारे में सोचा भी ना। चाचा, मालूम होता कि गंजा बानी को भेज के रहेगा। प्रोफेसर स्वामी? अजी मुत्तू भूल गया जी, मुत्तू स्वामी बोला। प्रोफेसर मुत्तू स्वामी, क्या आप ज्योतिषी हैं? अजय, हमारे बाप दादा सभी ज्योतिष है जी। यानी आप मैं अपने बाप दादों के मुस्तकबिल का हाल बताते रहे? मुस्तकबिल? ये मुस्तकबिल क्या जी? आज ये हिंदू कोड भी सुनता है तो ये नया दिल कौन सा आया जी? ऑर्डर ऑर्डर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप भविष्य का हाल बताते हैं? आज 501 रुपए लेने के बाद जी, पिछले साल 501 रुपए लेने के बाद आपने इस कागज में माया देवी के भविष्य के बारे में कुछ लिखा था? कुछ? इतनी बड़ी बात तो कुछ बोल सका जी, जरा पढ़ के देखो ना। 28 मार्च से एक महीने के अंदर माया देवी को किसी गाड़ी या वाहन से बहुत बड़ा संकट होगा परंतु वो बच जाएगी, ये कुछ है क्या जी? और क्या लिखा है? यह भी लिखा है 28 मार्च से लेकर 1 वर्ष तक किसी बहुत ही निकट के संबंधी के हाथों माया देवी के प्राण जाने का डर है। अगर वो बच गई तो फिर 5 बच्चों की माँ बनने के बाद उसका देहांत होगा। आज वो बच जाती तो 5 बच्चे की माँ नहीं बनती क्या जी? ये क्या कुछ है क्या जी? मिस्टर रायमोहन, प्रोफेसर स्वामी की पहली पेशेंगोई क्या सच निकली थी? जी हाँ, पेशेंगोई की कोई 1 महीने के अंदर ही हम दोनों मोटर एक्सीडेंट से बाल बाल बचे। और दूसरी पेशेंगोई के मुताबिक आपकी बीवी माया देवी को किसी करीबी रिश्तेदार के हाथों जान का खतरा था, तो क्या बानी के अलावा उनका कोई और भी करीबी रिश्तेदार था? जी नहीं, हमें बेचारी बानी पे कोई शक नहीं था, हमें तो सिर्फ ये डर था कि इस मासूम के हाथों धोखे में कुछ हो ना जाए, इसीलिए पेशेंगोई की मियाद खत्म होने तक मैंने अपनी बीवी को शहर से बाहर भेज दिया। तो फिर वो मियाद खत्म होने से पहले ही आपने अपनी बीवी को वापस क्यों बुला लिया? बात यह थी कि पेशेंगोई की मियाद रात के 12 बजे खत्म होने वाली थी और रात के 12 बजे ही मेरी बीवी की ट्रेन आने वाली थी। अब चंद सेकंडों में से क्या हो जाएगा ये हमें मालूम नहीं था। आपकी बीवी माया देवी जब इस शहर से बहुत दूर दिल्ली में थी तब आपके घर बच्चा पैदा हुआ, तो क्या ये बात मुलजिमा बानी को मालूम थी? जी नहीं, हमने ये फैसला किया था कि जब तक पेशेंगोई की मियाद खत्म ना हो ये बात किसी से बताई नहीं जाए। मिलोर, कत्ल के वक्त मुलजिमा बानी को ये ना मालूम था कि माया देवी को बच्चा पैदा हो चुका है, उसे तो सिर्फ ये मालूम था कि बच्चा पैदा न होने की वजह से माया देवी के बाद सारी जायदाद की मालिक वो खुद बनने वाली है। वकील सफाई गवाह से कोई सवाल पूछना चाहता है? यस मिलोर। मिस्टर रायमोहन, आपको अपनी पत्नी से प्यार था? ये कितना? बहुत। अगर आपको अपनी पत्नी से इतना ही प्यार था तो उसके कातिल से नफरत क्यों नहीं? इसलिए कि आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अदालत के सामने झूठा बयान दे रहे हैं, बगला भगत बन रहे हैं। अगर बानी ने सचमुच आपकी बीवी का कत्ल किया है तो अदालत के सामने उसे झूठी मोहब्बत क्यों जिता रहे हैं? मेरी मोहब्बत झूठी नहीं, मुझे तो बानी की नादानी पे तरस आता है। दुनिया में इन्हें गिने लोग कुछ ऐसे भी हैं
जो बाएं गाल पे थप्पड़ खाने के बाद दाहिना गाल भी पेश कर देते। अबे तू मेरा थप्पड़ खाते तो देख, ऐसा रसीद करूंगा कि दोनों जबड़े बराबर हो जाएंगे। आर्डर आर्डर। मिस्टर रायमोन, आपके बच्चे की पैदाइश कत्ल से कितने दिन पहले हुई? कोई महीना भर पेश। अगर बानी को यह मालूम होता कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, क्या वो कत्ल करती? शायद न करती। तो फिर आपने बच्चे की पैदाइश बानी से क्यों छुपाई? मैंने वकील साहब बानी से कुछ नहीं छुपाया। बानी ने खुद ही मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उसे कुछ बता सकूं। लेकिन उस रात तो आपको मौका मिला था। कत्ल से कुछ घंटे पहले बानी खुद आपके पास आई थी। जी हाँ, और चंद घंटों के बाद माया बच्चे के साथ आने वाली थी। बानी को बच्चे की खबर सुनाने में ज्यादा लुत्फ था या अचानक बच्चा दिखाने में? आपका क्या ख्याल है? मैं सर रायमोन, आपके घर में कभी पिस्तौल रहा है? जी नहीं। बानी आपके घर में कब से रही है? बचपन। इतने दिनों तक जब आपके साथ रही तो 24 घंटे में कितनी देर घर में रहती थी? कोई 17-18। बाकी का स्कूल। उस स्कूल में क्या पिस्तौल चलाने की तालीम दी जाती? जी नहीं। आपके बयान के मुताबिक जब स्टेशन पर सैकड़ों लोग इधर उधर आ जा रहे थे, उसने उनके बीच से पिस्तौल चलाई, उस औरत से पिस्तौल चलाई जो रुकती हुई ट्रेन के अंदर थी। ठीक है जी। इन हालात में जो औरत पिस्तौल चलाए, या तो उसे जबरदस्त निशानेबाज कहना चाहिए या पागल। क्या आप बानी को पागल समझते हैं? जी नहीं, सिर्फ पिस्तौल की निशानेबाज। उसने जब पिस्तौल चलाना ना आपके घर सीखा ना स्कूल में, तो फिर मैं पूछता हूँ उसने पिस्तौल चलाना कहाँ सीखा? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, वकील सफाई का सवाल जाब्ते के खिलाफ। मैं ऐसा नहीं समझता, इतना संगीन जुर्म एक जबरदस्त निशानेबाज के हाथों ही हो सकता है और किसी के नहीं। वो भी साबित हो जाएगा मिलॉर्ड, सवाल सिर्फ इतना ही है ना कि मुलजिमा ने निशानेबाजी कहाँ सीखी। कई महीनों तक वो वकील सफाई की सेक्रेटरी भी रही है। जो कुछ भी है, मेरी अदालत से दरखास्त है कि सबूत पेश करने के लिए हमें कुछ और वक्त दिया जाए। ग्रांटेड, आपको 15 रोज का वक्त दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि स्टेशन जैसी खतरनाक जगह पर उसे कत्ल क्यों किया गया? घर पे भी नहीं पहुंचने दिया। मुमकिन है कातिल मिसेस रायमोहन को किसी से मिलने या बात करने ही ना देना चाहता हो। यानी मिसेस रायमोहन को कोई ऐसा राज मालूम था जो कातिल के लिए खतरनाक हो? बिल्कुल। इसीलिए उसे घर पहुंचने से पहले स्टेशन पे खत्म कर दिया गया। अगर ऐसा ही था तो उसे जनाब दिल्ली में क्यों ना खत्म कर दिया गया? फर्ज करो ये कत्ल दिल्ली में होता तो अपनी सेक्रेटरी ना फंसती और हम लोग दर्द सर से बच जाते। तो वो या बानी के सारे इल्जाम थोपने के लिए कत्ल बम्बई में किया गया। लेकिन वो कौन सी बात होगी जिसके लिए कत्ल किया गया? वो बात तो मिसेज रायमोहन और उसके कातिल ही को मालूम है, लेकिन मिसेज रायमोहन बता नहीं सकती इसलिए कि मर चुकी है बेचारी और कातिल मरना नहीं चाहता। मेरा ख्याल है ये बात दिल्ली में पैदा हुई जो कत्ल का सबब बनी। दिल्ली में तो बच्चा पैदा हुआ। बच्चा? हाँ हाँ, मिसेज रायमोहन का। यस, ब्रिलियंट मोती, ब्रिलियंट। आज तुमने पहली बार अकल की बात। वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ, लेकिन तुम समझे पहली बार हो। हेलो इंडियन एयरलाइंस, प्लीज बुक मी अ सीट फॉर दिल्ली। दिल्ली? तुम्हारी समझ से बाहर, यहाँ रायमोन को संभालो। हेलो, यस, अजय, अजय कुमार, 88491। यस, थैंक यू। Thank you.
का? वाह, अच्छा ग्राहक मिला। हेलो कपूर एंड मिसेस के कपूर, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। कहिए केस कहाँ तक पहुँचा? केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। लेकिन मिस्टर अजय तो कहते थे कि फिक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कातिल ही का पता नहीं चल रहा है। कातिल? लेकिन कातिल से मेरे केस का क्या वास्ता? जी वो आपका केस, वो तो 8 तारीख को है। आपकी आया कहाँ है? तो ये है आपका कातिल? कातिल तो नहीं, लेकिन कातिल तक पहुँचने की सीढ़ी जरूर है। मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इसलिए जरा बुलवा लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सीढ़ी को। रोजी, रोजी, इससे कह दीजिएगा कि किसी से कुछ कहे नहीं जो कुछ मैं पूछूं। देखो ये साहब हमारा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, ये जो कुछ कहे किसी को कहना नहीं, समझे? जो लड़की तुम्हारे साथ मिल्क सेंटर से आया वो कौन है? वो मरीना है, वो हमारे साथ बचपन से खेला है। अच्छा, तुम्हारे साथ बचपन से खेला है। और उसका साथ बचपन में कौन कौन खेला है? हाँ, तुमको याद नहीं? याद करो ना रोजी, वरना हमारा रोजी का वादा हो जाएंगे। सर कहता रोजी, कहाँ गया? हम भी तो आया है अपना मरीना से मिलने का वास्ते। मरीना से मिलने आया? हाँ। मरीना तो हम है। अरे तुम कमाल है, तुम इतना बड़ा कैसा हो गया? ये बाबा तुम्हारा है? चेरे, ये तो सांप का बेबी है जो अभी भी मोटर में गया। ओह, और वो औरत जो सांप के साथ में था उसका बहन था क्या? सांप का बहन नहीं है, सांप का स्वीकार है। ओह, और तुम कौन होता है पूछने वाला? अरे तुम अपना जॉन डिसोजा को नहीं पहचाना क्या? तुम इतना बड़ा हो गया? हाँ। तुम्हारे नाक का तिल क्या हुआ? 10 साल से तुम्हारे लिए नाक रगड़ रहा था ना, तो कल तिल गायब हुआ, आज तुम मिल गया। बड़ी नाक और रगड़ो। देख इधर ऐ हसीना जोन कना, डाल जुल्फों का साया आ रहा है पसीना। देख इधर ऐ हसीना जून का है महीना, डाल जुल्फों का साया आ रहा है पसीना। तो देख इधर ऐ हसीना, ओ नाजनी जीना जला, सुन ले कभी दिल की सदा, ओ नाजनी जीना जला। बीमार गम हूँ शफा मुझको दे, दामन से अपने हवा मुझको दे। बीमार गम हूँ शफा मुझको दे, दामन से अपने हवा मुझको दे। मैं हूँ मैं दम मरीना, और फट
पीना, दूर से बात करना, पास आना कभी ना, मैं हूँ मैडम मरीना। साबित हो रही है। मैं मैटरनिटी होम भी गया था और उसी होटल से बोल रहा हूँ जहाँ मिसेस साइमन रहती थी, लेकिन यहाँ भी शुभ की कोई बात नहीं। ये बताओ, तुम्हें कुछ हाथ लगा? मुझे सिर्फ एक खत मिला है मिसेस रायमोहन के नाम, जो होटल ग्रैंड से रीडायरेक्ट होकर यहाँ आया। होटल ग्रैंड, पूरा एड्रेस तो पढ़ो। मिसेस रायमोहन, रूम नंबर 301, होटल ग्रैंड दिल्ली। होटल ग्रैंड, कुछ दिन पहले मिसेस रायमोन के नाम से यहाँ कोई औरत ठहरी। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस, मिसेस माया रायमोहन, वो यहाँ पे 7 महीने ठहरने के बाद 27 मार्च यहाँ से चली गई। उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ? बच्चा? उनके यहाँ तो कोई बच्चा नहीं था। कोई बच्चा नहीं? क्या आप बता सकते हैं उनसे मिलने के लिए किस किस्म के लोग आते जाते? जहाँ तक मेरा ख्याल है वो यहाँ पर अकेली ही रहा करती थी। अहमद, पिछले महीने 301 में तुम्हारी ड्यूटी थी ना? जी हुजूर, मेरी ड्यूटी। मिसेस रायमोन से मिलने के लिए कौन कौन लोग आते थे? कोई भी नहीं। हाँ, उनके होटल छोड़ने से 2-3 दिन पहले तो एक साहब उनसे मिलने आए थे। उनमें से एक साहब तो उसी दिन चले गए, दूसरे साहब उनके बगल वाले रूम में ठहर गए। खाना पीना भी मिसेस रायमोन के ही साथ था और गए भी साथ। क्या नाम था उनका? जी, मिस्टर खन्ना। तुम उनकी शक्ल सूरत बता सकते हो? अजी साहब, उनकी सूरत भला कौन भूल सकता है। ये बड़ा भूल चेहरा, घनी घनी भौहें, तेज आंखें, पतले होठ, हीरो कट मूछें,
हाँ, उनकी बाईं आंख पर एक घाव का गहरा निशान था। चलिए आपको ऑफिस में बुलाया। ऐसा लगता है अजय इन दीवारें मुझे पीस के रख देंगी और फिर तुम भी तो नहीं है। मैं दिन रात दौड़ धूप कर रहा हूँ बानी, दिल छोटा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जैसे आज तुमसे मिलने आया हूँ वैसे एक दिन यहाँ से ले जाने के लिए आ जाऊंगा। कब? बहुत जल्द। अच्छा ये बताओ बानी, तुम्हारी दीदी बम्बई छोड़ने से पहले उम्मीद से थी? दीदी ने कभी मुझे जिक्र नहीं किया। तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई खन्ना नाम का आदमी है? खन्ना नहीं तो। तुम्हारी दीदी या जीजाजी के जान पहचान वालों में से? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं। अच्छी तरह याद करो, इस खन्ना की बाईं आंख पे एक जख्म का गहरा निशान है। जख्म का निशान? मैंने जैसे किसी आदमी को नहीं देखा। स्टेशन पे? वहाँ भी नहीं। मगर इसका मुकदमे से क्या ताल्लुक? अच्छा बन ये कार का भूल पड़े हुजूर। यू कैन रिलैक्स मिस मार्गरेट। थैंक यू। और सुनो क्या हाल है? यार सिन्हा मैं ये जानना चाहता था कि किसी आदमी की तस्वीर उसे देखे बगैर बन सकती है। मेरा मतलब है सिर्फ उसका नाक नक्शा पूछकर। क्यों नहीं, एक तो मैंने ही बनाई। तुमने? हाँ हाँ मैंने। देखना चाहते हो? हाँ हाँ कहाँ है? आओ मेरे साथ। ये मेरे एक दोस्त की महबूबा है, ये तस्वीर मैंने सिर्फ उसका नाक नक्शा पूछ कर बनाई। तुम्हारे दोस्त की क्या राय है? उसकी राय में तो सूरज शक्ल उस लड़की से बिल्कुल मिलती है, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मैं भी एक तस्वीर बनवाना चाहता हूँ। किसकी? मिस्टर खन्ना की। मिस्टर खन्ना कौन? ये साहब कुछ दिन पहले होटल ग्रैंड दिल्ली में ठहरे हुए थे, वहाँ एक बेरर है उसका नाम है अहमद, उसे भी मिस्टर खन्ना की शक्ल अच्छी तरह याद है। ये रहा एड्रेस, तुम आज ही दिल्ली चले जाओ। ये पटाखा कौन? ये नीना देवी। नीना देवी? जी हाँ, यहाँ की मशहूर डांसर। मशहूर डांसर और अपने को पता ही नहीं? कमाल है यार। तो आज इधर आइए ना, बड़ा शानदार प्रोग्राम, ओपनिंग नाइट है। अच्छा? जी हाँ, आज 7 महीने के बाद पहली बार नीना देवी नाचेंगी। ओह, तो 7 महीने तक दूसरों को नचाती रही? जी नहीं, छुट्टी पर गई। ओह, अच्छा तुम भी छुट्टी लो। अजय नहीं है? अरे तुम आ गए, अजीब आदमी हो यार, कल फोन क्यों बंद कर दिया था? खोपड़ी अब तक परेशान है अपनी? मैं खुद परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? दिल्ली में एक नहीं दो मिसेज रायमोहन। दो? तो फिर ये तीसरी? ए भाई, एक और है जो मिसेज रायमोहन बनने के चक्कर में है। मजाक नहीं कर यार। मजाक कौन गदा करता यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रोजाना उसके घर पे आती जाती है। कौन है वो? नीना। नीना? कौन नीना? मिस्टर राय मोहन के होटल की डांसर। यहाँ कब से? कुछ 6-7 रोज से। इससे पहले कहाँ थी? इससे पहले छुट्टी पर थी 6-7 महीने की। हम्म।
Thank you.
कितना नॉटी है, हम समझा था बेबी रोता है। अच्छा मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी शादी का इंतजाम करना पड़ेगा ना। हाँ? फोन ने काम में देरी काएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। कल इसी वक्त। ओके बाय बाय बाय। बेबी बेबी लगा रखा है, क्या बात है? बेबी खो गया था। क्या? बेबी खो गया। ये कितनों का मन? सही में रास्ते में बता दूंगी। कहाँ? शराब की थी जिसके सर पर
चढ़ जाए, जिंदगी भर हो इसमें ना आए, और उस पर सोने पे सुहागा ये कि नाचती ऐसा हो कि नट राजा भी दांत में उंगली में। देवी जैसा नाम वैसा ढांचा, मैं तो तुमसे बिलो जान से शादी कर लूं, लेकिन मजबूर हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। अयो तुम्हारा शादी हो गया, अभी हमारा क्या होगा? अयो तुम काय करो था? मर गई। कौन? औरत। फिर तो नहीं डार्लिंग, मैं तुम जैसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम फेरी तुम्हारी और मैं एक बच्चे का बाप। सर्वाइल ले। अरे वाह वंडरफुल डार्लिंग, तुम्हारा जवाब नहीं है। परवाह कर बेचारी। अरे वाह बेटा, बड़ा भाग्यवान है, एक ही झटके में अपने लिए नई माँ और बाप के लिए जोरू ले आया। जरा प्यार से रखना, एक ही बच्चा है। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर चलता हूँ। अच्छा तुम जा सकता है जी, बच्चा तो मेरे पास है, तुम जरूर आएंगा। अरे आएगा। सुननी सुननी सुननी, टाट बोलो पापा को, टाट बोलता है। अयो सुननी सुननी सुननी, मालूम नहीं की बच्ची, तू कहाँ थी? हम तो जरा नीचे आए थे साहब। नमक खराब, बच्चे को अकेला छोड़ के तू नीचे क्यों आई? हम तो बेबी के लिए दूध लेने आया था। कोई आया था? घर में तो कोई नहीं आया था सरकार। तो क्या भूत उड़ा के ले गया बच्चे को? मैं पूछता हूँ कि तुम दोनों के होते हुए बच्चा गायब कैसे हुआ? मुझे कुछ पता नहीं सरकार। अरे सरकार के बच्चे, देखो सच सच बता कौन आया था? तू जो चाहेगा मैं तुझे दूँ। हमने किसी को आते नहीं देखा सरकार। ओ शट अप, अब कान खोल के सुनो, अगर बच्चे के गायब होने की खबर किसी को भी हुई तो जबान खींच लूंगा। अब गेट आउट। फोन किसे कर रही? पुलिस। घर से काम लोगे ना? तुम बच्चे की मां जरूर हो, लेकिन लोगों की नजरों में मैं उसका बाप, और उसकी मां मार दी गई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पुलिस को फोन करनी थी। नीना तू समझती क्यों नहीं? अगर पुलिस को हकीकत का पता चल गया तो हम दोनों के गले में फांसी का फंदा होगा। तुम्हें तो बस अपनी फिक्र है, अगर अगर मेरी लाल को कुछ हो गया तो। नीना मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारे बच्चे की फिक्र है, मैंने जो कुछ किया उसी के लिए किया। तो फिर अब तुम्हें क्या हो गया, पुलिस को खबर क्यों नहीं करते? मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं हैरान हूँ तो समझती क्यों नहीं? देख डाली, अगर हमने पुलिस में खबर कर ली तो बच्चा चोराने वाले होशियार हो जाएंगे और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर मेरा बच्चा क्या कभी नहीं मिलेगा? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मिलेगा डाली, मिलेगा। जरा एहतियात से काम लो, हम पर जरूर किसी को शक हो गया है। और देखो डाली, किसी पे जाहिर न होने दो कि तुम्हारा बच्चा गुम गया है, या तुम परेशान और गमगीन। अच्छा देखती है? और जी हुजूर देख लिया। तो फिर बताओ मिस्टर खन्ना की आंखें, होंठ, नाक, ठुड्डी किस तरह की? जी आंखें तो बिल्कुल ऐसी थी, ठुड्डी ऐसी थी,
और होठ ऐसे थे, नाक जरूर ये थी या ऐसी थी, इन दोनों के बीच में समझिए। ये तो बिल्कुल खन्ना साहब मालूम होते हैं, लेकिन आपने इनकी मूछें नहीं बनाई। मूछें? जी इनकी मूछें हीरो का थी जी। ऐसी यहाँ एक जख्म का गहरा निशान था जी। पहचाना? ये आप ही के बच्चे की आवाज है। मेरा बच्चा? आपका मतलब मिस्टर राममोहन की बच्ची से है ना? ये तो आप ही बेहतर जानती होंगी। देखिए, मैं सिर्फ बच्चे की माँ से बात करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं है तो फोन बंद कर दीजिए। हेलो हेलो, आप कौन है? हेलो हेलो, मैं ही बच्ची की माँ। अब इतना कबूल किया है तो बाकी बातें बता कर अपने बच्चे को वापस ले जाइए। पर आप है कौन? मैं कहाँ हूँ? बालकृष्ण निवास पारसी कॉलोनी दादर। और सुनिए, टेलीफोन आया था।
रही है? मैं होटल जा रही थी। हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये भाई तो नेले पे देला मार गया, अब तुम कहो तो मैं अपने तुरुप से काम निकालूं। हेलो लो प्यारे, ये है तुम्हारे मिस्टर खन्ना। मैंने हूबहू होटल बॉय के कहने के मुताबिक तुमको बना दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इस आदमी को मैंने जरूर कहीं देखा। कहाँ देखा? जरा ठहर भाई, दिमाग से घूम के बैठे थे, फिर बताता हूँ। कहाँ देखा है? मोटर में, ट्रेन में, बस में, कोर्ट में? नहीं, रायमोन के होटल में। नहीं। थाने में? नहीं। पिक्चर हाउस में? हाँ, हाउस में कल खाली पिक्चर में। French consulate setting fire now. Congress alert nation now. Congress adopt economic now. Very modern. देखा जाए यही वो महाशय है जो आयन कत्ल वाली रात को मोटरसाइकिल समेत भगवान को प्यारे हो गए। पुलिस इनके बाप दादा का अभी तक पता लगा रही है। नीना, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा साथ देने वाला सिर्फ एक शख्स, और वो मैं। अगर मुझसे भी यही पर्दादारी रही तो मैं हैरान हूं कि हमारे आने वाली जिंदगी का क्या होगा। तुम बताती क्यों? आखिर क्या बात है? तुमको क्या हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे अपने आप तुमसे हर चीज से नफरत होती जा रही है। दूर हो जाओ मेरे सामने। पागल हो गई हो क्या? नहीं, आज मैं पागल नहीं। पागल तो मैं उस दिन थी जब मैं तुम्हारी शादी के बाद उन्हें आ गया और होटल में एक नाचने वाली रक्कासा बनकर रहे। पागल तो मैं उस दिन थी जब मैंने अपना फूल जैसा बच्चा तुम्हारी खूनी हाथों में दे दिया। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें जरूर किसी ने बहकाया, तुम्हें जरूर किसी ने कुछ कहा है। वो लोग कौन था? कौन था वो? मुझे किसी ने नहीं बहकाया, किसी ने नहीं। नीना, मुझे माफ करो, मैं भी तो उतना परेशान हूं जितना तुम परेशान। शायद तुम ये नहीं जानती मुझे भी उन लोगों ने टेलीफोन किया, वो हमारा बच्चा वापस कर देंगे अगर उन्हें हर बात सच सच बता दी। तो फिर सच सच बताते क्यों नहीं? कैसे बताऊं ना, कैसे बताऊं? हम दोनों को फांसी हो जाएगी, वो जायदाद की मालिक बानी बन जाएगी, और हमारा बच्चा बेसहारा एड़िया रगड़ रगड़ मर जाएगा। यही चाहती हो तुम? पुलिस को इतना क्यों नहीं देते, मदद क्यों नहीं लेते? पुलिस 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 का नाम मत लो। तुम ना नहीं समझती कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले वो बच्चे की जान ले लेंगे, फिर तुम्हारा बच्चा तो क्या, उसकी लाश तक भी नहीं मिलेगी। अगर फिर भी तुम जिद करती हो तो चलो करो फोन पुलिस को, तुम्हारा ये पागलपन बच्चे की जान लेकर रहेगा। ऑपरेटर, गिव मी डायरेक्ट लाइन प्लीज। ये लो लो, और याद रखो अगर बच्चे को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार हो। तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, मुझे कुछ वक्त दो।
मैं फिर कहता हूँ सोच लो, मामला गटर का है। अब सोचने उठने का वक्त नहीं, जो कुछ करना है कर डालो। ये लो, तुम जरा ख्याल रखो। लेटर तो बड़ा अच्छा, कहाँ से मार दिए? मारा नहीं हवलदार, गुदड़ी में लाल और कटर में माल। कटर का है? अभी तो काम खत्म नहीं हुआ। काम तो खत्म हो गया, वो जहाँ जमादार लारी लेके आया नहीं, इसके वहां से रास्ता देखता हूँ। नहीं बंद करता तो दोनों बंद हो जाती। पुलिस वाला आन तक का था, बड़ी मुश्किल से फिस गया है। अच्छा मैं चलता हूँ भाई। अरे बोल मत सर, ठहर जाना, अभी आ। अच्छी बात है। साहब हैं घर पे? जी नहीं। तुम्हें मालूम है कब आएंगे? मालूम नहीं। वो छोटे बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चा? बच्चा ना, तो साहब कुछ दिन पहले यहाँ लाया था। यहाँ तो साहब ने कोई बच्चा नहीं लाया। तुम्हारा नाम क्या है? देखो शंकर, अगर इस घर में कोई छोटा बच्चा है तो ये 1000 रुपए तुम्हारे हो सकते। यहाँ कोई बच्चा नहीं है। अरे वाह बहुत अच्छे, बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं ही बचा था क्या? तुम जाओ ना, मैं अंदर कैसे जाऊँ? दरवाजे से और क्या? देख लिया था। और मैं क्या मिस्टर एक्स हूँ जो मुझे कोई नहीं देख सकता? मोती, तुम्हारी मरीना दोस्ती है ना? है तो सही, लेकिन जरा तो फिर उसी के जरिए जाऊँ? जरिया कंपाउंड तक जाने के लिए तो सही है, बिल्डिंग में अपन नहीं जाने वाले भाई। तो मैं जाता हूँ। जाओ, लेकिन सुनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बानी को क्या जवाब दूंगा? नहीं यार, मुझे जाने दो। लाल कर, मैं ही जाता हूँ। मोती, तो तुम ही जाओगे? और नहीं तो क्या, और अगर वापस नहीं आया तो समझ जाना कि काम आ गया। हेलो, इंस्पेक्टर जगदीश स्पीकिंग। इंस्पेक्टर जगदीश, मोती स्पीकिंग। आज राय मोहन का बयान लेने जा रहा हूँ। कैसा बयान? इकबाले जुर्म। वो किस तरह?
एक तिकड़म है अपने पास। बहरहाल तुम तैयार है ना? आज शायद हम लोग मिसेज राय मोहन के कातिल को पकड़ लेंगे। विश यू गुड लक। मरीना, पारा चढ़ा हुआ है। तुम अपनी जान से नाराज है डार्ली? डार्ली, हम किसी का डार्लिंग नहीं है। अरे तुम तो रो रही हो, क्या बात है? तुम्हारी बला से। तुम्हें क्या मालूम 3 दिन में यहाँ क्या क्या हो गया है? क्या हुआ? साहब का बेबी गुम हो गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी पुलिस स्टेशन खबर करता हूँ। नहीं जॉन, नहीं, साहब ने मना किया है किसी को बताने के लिए। अच्छा, तो हमारा नौकरी भी चला जाएगा। जान का स्वीट हार्ट को आया की नौकरी का फिक्र? पगली कहेगी। अच्छा ये बता, बंगले में कौन कौन है? कौन है? चलो फिर। साहब कब आते हैं? वो तो हमेशा देर से आते हैं। अच्छा चलो फिर। तुम ड्यूटी भी कितने बजे तक? जी को बात दे तो मिसलीना अगर बाहर जाए उनके नाम कोई टेलीफोन आए तो फौरन मुझे तला दे दो। यस सर। मैं सीधे घर ही जा रहा हूँ। थर्ड क्लास। ये पियानो अगर हटा दिया जाए तो मालूम होगा मेरे नौकर का कमरा है। नौकर का कमरा? हाँ, इसलिए कि गोवा में जो मेरा मकान है ना, इससे 10,000 times बेटर है। स्विच बोर्ड कहाँ है? स्विच बोर्ड किस लिए? स्विच बोर्ड मशीन के लिए। और मशीन किस लिए? मशीन तुम्हारे लिए, तुम आवाज के लिए, आवाज रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए, कंपनी नौकरी के लिए, और नौकरी तुम्हारे लिए, और तुम ऐसा। हाँ कहाँ है? ऐसा ऐसा ऐसा। वेरी गुड, थैंक यू। Thank you.
प्रतियां बिताना मुश्किल हो गया, दिल खो गया जी मेरा दिल खो गया, सैया तेरी अखियों में दिल खो गया, सैया तेरी अखियों में दिल खो गया। साहब आगे तुम कहीं छुप जाओ। और हेलो, तुम हो नीना, तुमने तो तुम जाओ आए। जरा एक मिनट डाली, नहीं डाली अभी तक नहीं, लेकिन मैं बच्चा ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तू फिक्र क्यों करती? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम दोनों के हाथ खून में रंगे हुए हैं, हम दोनों फांसी में चढ़ जाएंगे। तुम अपनी फिक्र करो, मेरे फंसने से तुम पुलिस के फंदे में होंगे। ये क्या बकती हूँ नीना, मैं हैरान हूँ तू समझती क्यों नहीं। देख देख नीना, दिल्ली में मिसेज राय मोहन के नाम मैटरनिटी होम में तुमने बच्चा जना, और वहां से बंबई तक तुमने मेरी बीवी के साथ सफर किया, और उसी कंपार्टमेंट में तुमने अपना बच्चा छोड़ा, समझी? ये सब मैंने तुम्हारे कैसे पर किया? ठीक है, पर इसका मेरे और तुम्हारे सिवा कोई गवाह नहीं। मिस्टर खन्ना को मैंने वहीं भेज दिया जहां मेरी बीवी गई है। अब अगर तुमने पुलिस में रिपोर्ट की तो याद रखो हमारी खैरियत में। अपनी बच्ची के खाते में फांसी पर चलने को भी तैयार, मैं पुलिस को इतने जरूर दूंगी। तुम्हारा पुलिस में जाना बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन अगर तुम जिद्दी करती हो तो मैं खुद ही पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ, इत्मीनान रखो। अब तो मैं तुम्हारा बच्चा लाकर ही दम लूंगा। टेलीफोन रख दिया। आप जा सकती है। जान उलझन में है मेरी जान, फिर कभी जॉनी। अजब आदमी है, अभी आग पे लो जाता तो काम हो गया क्या? अपना तो काम हो गया, लेकिन किसी दूसरे का भी काम तमाम होने वाला है। क्या हुआ? ये कि भाई ने टेलीफोन रखा और पिस्तौल निकलना है। मैं तो समझा कि मोतीलाल जी के दिन पूरे हो गए, लेकिन वो तो खैर हुई कि उसने देखा ही नहीं। फिर क्या, बाहर आया मोटर में बैठा हुआ अंशु, मुझे तो अभी तक पसीने आ रहे हैं। निकल चलो। प्लीज। यस, नीना। मैं अजय बोल रहा हूँ, रायमोहन आपको कत्ल करने आ रहा है। जिस तरह भी हो आपने आपको बचा लीजिए। मैं पुलिस को इत्तला कर रहा हूँ। क्या मजाक है, जल्दी कीजिए इंस्पेक्टर। रायमोहन नीला को कत्ल करने होटल मैजिस्टिक गया है। कौन है रायमोहन?
यहाँ तक ये रखते हम दोनों के हाथ घूम रखे। ये वही शख्स है जिसने बॉम्बे सेंट्रल पे अपनी बीवी का खून सन्नाटे करवाया और फिर उसे भी ठिकाने लगा दिया। मगर आप कौन? अजय, लॉयर। हेडक्वार्टर्स, रश फॉर होटल मेजेस्टिक। गोली से उड़ा दिए जाओगे। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो उसे गोली से उड़ा दूंगा। तुमने मेरे पीछे नहीं अपनी मौत का पीछा। Thank you.
दलीलों से ये साबित होता है कि मुलजिमा बानी बेकसूर, लिहाजा मुलजिमा बानी को अदालत बाइज्जत बरी करती है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अजय। हो माफ कीजिए, बेहतर साबित हुआ कि मुलजिमा बानी कातिल है, और इतनी जबरदस्त कातिल कि उसने एक ही नजर के तीर से अपने वकील अजय कुमार का काम तमाम कर दिया। लिहाजा जेर दफा 302 ताजीरात किस्त मुलजिमा बानी को अजय कुमार की प्राइवेट जेल में उम्र कैद बा मोहब्बत की सजा दी जाती है, और अदालत मोहब्बत हनीमून वेकेशन के लिए बर्खास्त की जाती है। सीधे घर जाना। हाँ